ये पाइपलाइन 2 नंबर और 3 नंबर 685 लीटर टैंक से कनेक्टिंग है। साथ इसी से कनेक्टिंग हुआ है एक पाइप, देखिए WRA के इनपुट में तो पाइप को जुड़े है एक रबर पाइप और जुबली क्लिप से। 1 नंबर और 2 नंबर टैंक को जुड़े हुए है एक रबर पाइप से, देख सकते हैं। सभी टैंक में इस तरह के एक वाटरिंग लेवल गेज रहते हैं। पहला पाइप छोड़कर अंदर में देखिए एक पाइप दिख रहा है, दोनों पाइप को 1 और 2 टैंक को लिंक कर रहा है। उधर एक आइसोलेटिंग कॉक है, जबकि इसमें से आपका जब टैंक वॉश होता है तो इसी में से ड्रेन होते हैं और आइसोलेट कॉक आपको यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो दोनों 685 लीटर के टैंक और 450 लीटर के एक टैंक आपस में तीनों पाइप से कनेक्टेड है। अभी जो टी जॉइंट देख रहे हैं, ये टी जॉइंट आया है आपका WRA मशीन का आउटपुट से और ये डायरेक्ट चले जा रहा है आपका दोनों तरफ लेबोरेटरी में। सामने आप देख सकते हैं 2 पंप मशीन है WRA मशीन, जिसमें एक कट ऑफ स्विच लगा रहता है पैनल बोर्ड में और इसी से पंप करके मेन टैंक का पानी आपका लेबोरेटरी में भेजा जाते हैं। के जितना भी मेन टैंक से पाइप आते हैं वो पाइप आपका 2 इंच का होता है, उसके बाद में रिड्यूसिंग सॉकेट से फिर ये सप्लाई जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बनाना बहुत तकलीफ़ से होता है, देखिए घुस गया तो निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अभी हम तीसरा टैंक 450 लीटर का दिखाने चल रहे हैं। देख सकते हैं तीसरा नंबर टैंक आ गया और उसका 2 इंच का पाइप का भेंट में आ गया, 2 इंच पाइप में भेंट प्लग लगा हुआ है। नीचे भी एक देख सकते हैं, देखिए भेंट स्क्रू लगा हुआ है। ये सब टैंक आपका मोटा मोटा वायर और नट बोल्ट से माउंट किया जाता है अंडर बॉडी फ्रेम में। सामने जो लाल दिखता है यह है फिलिंग पॉइंट, तरीके का 2 फिलिंग पॉइंट 2 टैंक में लगा होगा, एक इस तरफ और एक उस तरफ, और इसमें 1.5 इंच वाला पाइप आपको इधर लगाएंगे। सामने देख रहा है ये जो पाइप दिखता है ये, और ऊपर में देख रहा है पाइप जो कि 48 mm का पाइप होता है। ये दोनों पाइप ऊपर से आपको दोनों टैंक को जुड़ा है, ये नीचे से दोनों टैंक को जुड़ा हुआ, और ये जो अंदर में जो पाइप दिख रहा है इसमें आइसोलेटिंग कॉक जो है ये तीनों टैंक को जुड़े है आपस में। आप कनेक्शन थोड़ा देखिए, ये देखिए इस तरह दिखने से पता चलेगा कि ये तीनों टैंक के आपस में जुड़ा है। चलिए अब WRA मशीन में देखिए, ये मेन टैंक से निकला हुआ एक और दूसरा टैंक 450 से कनेक्ट हुआ है। इसके बाद में देखिए पाइप जो है आपका एक WRA मशीन में ये पाइप जा रहा है, एक फ्लेक्सिबल पाइप अंदर में है, देखिए ये फ्लेक्सिबल पाइप जाके WRA मशीन में 38 mm का जो पाइप है उसके साथ में कनेक्ट हुआ है, और ये 32 mm का देखिए ये टी जॉइंट से निकला हुआ है, फिर इधर टी जॉइंट हो गया। अब दोनों तरफ आपका लेबोरेटरी में टैंक में जा रहा है पानी, यहाँ की 50 लीटर करके आपका ऑक्सिलरी आपका टैंक ऊपर में होता है, कहाँ जहाँ आपका लेबोरेटरी का ऊपर में। इस तरीके के जो टैंक होता है इसका पास करने के लिए जो ड्रेन पॉइंट होते हैं, देख सकते हैं इधर ड्रेन पॉइंट ये जो है देख रहा है प्लग लगा हुआ है, इसी से टैंक को वॉश करने के बाद में इसको ड्रेन किया जाता है, देख सकते हैं नीचे में। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे एक साइड में, अभी दूसरा साइड में चल रहा है कि WRA जो मशीन है इसका फ्रंट पेज में, तो देख सकते हैं हम दूसरा साइड आ गया। फिलिंग पॉइंट एक टंग से जुड़ते हैं, एक टंग से जुड़ते हैं, आपको दिखने से पता चलेगा। WRA जो मशीन है इसमें कट ऑफ स्विच जो लगा है ये यूज़ होता है, एक टैंक एक जो पंप है एक बार चलता है अल्टरनेटिव। अब देख रहे टी जॉइंट से देखिए ये पाइप चलेगी आपका लेबोरेटरी में कनेक्शन होने के लिए, ये देख सकते हैं इधर, ये देखिए टी जॉइंट इधर लगा है और दो तरफ चली गया, एक बीच में पाइप दिखता है आपको। अभी मैं जो 28 mm का पाइप देख सकता है ये एक टैंक से निकला हुआ वो देखिए वो चले गया आपका दूसरा बायां तरफ का लेबोरेटरी में। पाइप दोनों आपका देख सकते हैं जा रहा है लेबोरेटरी का नीचे में, और ये लेबोरेटरी से अब ऊपर में 2 पाइप चले गया, ये 28 mm का टी जॉइंट है। इस तरीके से LHB में आप लोगों को लेबोरेटरी में पानी उपलब्ध होता है। चलिए अभी ICF में आ गया, देखिए ICF जो है टैंक है 400 लीटर करके 3 टैंक दिख रहा है,
ये पाइप देख सकता है आपका फ्लेक्सिबल पाइप मेटल पाइप से, और ये फिलिंग पॉइंट है, 2 इंच का पाइप का सिस्टम है इसका फिलिंग पॉइंट। ये सब मेटल पाइप होता है और आयरन पाइप होता है। ये जो पाइप देख रहा है आपस में तीनों आपको टैंक को जुड़ा हुआ है, देखिए ये 32 mm का पाइप से तीनों टैंक को जुड़े हुए हैं। तो पीला वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये मेन पाइप 2 इंच का साथ में ये इस टैंक को सप्लाई करते हैं, उस तरफ में एक टैंक को सप्लाई कर रहे हैं। ये देख सकते हैं फिलिंग पॉइंट, इधर से पानी भरा जाता है। अभी देखिए ये जो टैंक है, ये टैंक तीसरा नंबर टैंक से देखिए आउटपुट एक लाइन दिख रहा है जो कि 32 mm का पाइप है। ये आपका दाहिना तरफ का लेबोरेटरी में चले जा रहा है सप्लाई मिलने के लिए। और इधर देख सकते हैं ये आपका बायां तरफ सप्लाई जा रहा है 32 mm का पाइप का ऊपर से, ये जा रहा है देखिए बायां तरफ, ये लेबोरेटरी में मिलेगा जाके। देखिए दिखा रहा है, देखिए आके टी जॉइंट हुआ, दोनों आपका इस साइड का जो लैब है दोनों आपको लेबोरेटरी में आपको ये पानी उपलब्ध करने के लिए देख सकते हैं पाइपलाइन आपको बिछा हुआ है। इधर से पाइप आपका पंप मशीन से जाने के बाद में ये आपका ऊपर में 50 लीटर टैंक में आपका ये जाके ये होगा, सेटल होगा और आप लोगों को पानी मिलेंगे। तो मतलब तीनों टैंक आपस में जुड़े हुए हैं और पंप मशीन का पानी एक साथ में जब उठता है तो इसके बाद में दो टैंक से आपको दो तरफ सप्लाई मिलता है और लेबोरेटरी में पानी आप लोगों को उपलब्ध है। अभी देख रहे हैं WRA का मशीन देख सकता है इधर, ये मैं बैक साइड से दिखा रहा है, ये आपका देखिए ये कनेक्शन हो गया WRA मशीन और डायरेक्टली आपका दोनों तरफ चले गया, दोनों तरफ मैंने WRA मशीन का जो पाइप कनेक्शन है आके ऑपोजिट साइड में देखिए बॉडी फ्रेम का साथ में ये कनेक्ट होने के बाद में ये चलेगी आपका दोनों तरफ का। और ये जो मेन पाइप आप ऊपर में देख रहे हैं ये पाइप आपका WRA मशीन से आपका ऊपर सप्लाई में गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ICF और LHB में बेसिक नॉलेज एक ही है पानी होने का, लेकिन थोड़ा पाइपलाइन डायग्राम दूसरा किस्म का होता है। तो आप लोग देख सकता है इनके कुछ बाहर में उनके कुछ अंदर में पाइपलाइन डायग्राम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आप लोगों को ICF एंड LHB दोनों का वाटरिंग सिस्टम का AC गाड़ी का समझाया है। तो मैंने इधर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सुस्त रहिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए गुड।